हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बर्नर। तो ये वीडियो होने वाली है डोज के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ डोज के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो आपके साथ शेयर करूंगा। क्या सपोर्ट एरिया, क्या रेजिस्टेंस एरिया, कौन सा अच्छा बाय जोन बनता है, क्या एक्सपेक्टेशन आप डोज कॉइन से रख सकते हैं, वो कौन सा टाइम होने वाला है जिसमें डोज में अच्छा और रिटर्न अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, वो चीज़ें शेयर कर दूंगा। एंड एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ये वाला ग्रुप खुलेगा आपका जब आप लिंक से ज्वाइन करेंगे। इसमें मैं यहाँ पे हमें देखने को मिला है इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ से, एंड यहाँ पे जो क्रिप्टो स्पेस में यहाँ पे पावर मोनोपोली होल्ड करते हैं उनके बीच में डिस्कशन हुई है रिगार्डिंग क्रिप्टो स्पेस। उसके ऊपर इंटरनेट में काफ़ी चीज़ें घूम रही हैं, अभी क्लैरिटी हमें नहीं हुई है, तो उसकी जो वीडियो होगी वो मैं सुबह दूंगा, पर जो मेजर अपडेट्स निकल के आ रही है ना वो आपके साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ गाइस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल, ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिलहाल बिना कोई टाइम वेस्ट के डोजकॉइन की करंट वैल्यू चेकआउट करते हैं। डोजकॉइन करंटली हमें देखने को मिला 19.58 रुपीज़ पैसा पर ट्रेड कर रहा है, US डॉलर्स में 0.2628 के अराउंड ट्रेड करता हुआ हमें डोजकॉइन नजर आ रहा है। इसका जो प्रॉपर TA चार्ट है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लो ग्रुप खोलते हैं, चार्ट चेकआउट करते हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिला जो मेजर सपोर्ट एरियाज है 0.2535 और 0.255 के अराउंड चल रहा है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 18.81 रुपीज़ पैसा से लेकर 18.92 रुपीज़ पैसा का एरिया बनाते हैं, जो कि एक अच्छा और बहुत ज़्यादा मस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी का जोन डोजकॉइन के लिए बना हुआ है। तो ये वाला ना एरिया ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। फिलहाल इसके नीचे जो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है 0.2358 से लेके 0.2388, जो कि अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ समवन अराउंड हमें 17.66 रुपीज़ का एरिया बनता है। ठीक है, अब क्रूशियल चीज़ क्या है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्रूशियल चीज़ है ये रेजिस्टेंस एरिया और उसके ऊपर 530 कैंडल क्लोजिंग। तो यहाँ पे हमें जो मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हो, देखने को मिल रहे 0.2626 के अराउंड, जिसको टेस्ट करता हुआ डोज का नजर आता है। अगर मुझे 530 कैंडल क्लोजिंग है इस एरिया के ऊपर मिल जाती है तो आपको ऊपर के एरियाज टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। ये वाला जो एरिया बनता है ना, वो वाला ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो बनता है 19.48 रुपीज़। तो 530 कैंडल क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होनी बहुत ज़रूरी है अगर मैं ऊपर के रेजिस्टेंस एरियाज को टेस्ट करना है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बनी हुई है 0.2736 के अराउंड, जो कि अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर दूं तो 20.30 रुपीज़ के अराउंड जो है एरिया बनता है। तो आपको इस रेंज में 0.2626 से लेके 27 सेंट्स के अराउंड के रेंज में जो है डोजकॉइन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मूव करता हुआ इस रेंज में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया शेयर कर दिया है। और अगर मैं जो डेली क्लोजिंग है ना इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मिल जाती है, तो नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है, हैवी रेजिस्टेंस जोन है, वो 0.2778 से लेके 0.2946 के अराउंड बना हुआ है, जो कि अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो 20.55 रुपीज़ से लेके 21.86 रुपीज़ का एरिया बना हुआ है। तो इसको टेस्ट करने के लिए, इसको ब्रेकआउट करने के लिए हमें आज का अच्छी वॉल्यूम चाहिए डोजकॉइन से। ठीक है, तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया भी आपको ध्यान में देना है, काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो इसको पूरा ब्रेकआउट करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ पे डेली क्लोजिंग है इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो आपको देखने को मिल सकता है वो भी शेयर कर देते हैं। अगर यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस से रिजेक्शन देखने को मिलती है, 530 कैंडल क्लोजिंग नीचे होती है, BTC में करेक्शन आता है, तो यहाँ पे आपको ये वाले सपोर्ट टेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का जोन जो है डोजकॉइन के लिए बना हुआ है, डिपेंडिंग ऑन अगर हमें मैसिव करेक्शन मार्केट से देखने को ना मिल जाए कि भाई ऐसी करेक्शन हो जाए जैसे ये विक बनी ना, वैसी वाली करेक्शन ना हो जाए कि आपको ये नीचे के सपोर्ट्स के पास जाता हुआ नजर आ जाए, तो उसको भी ध्यान देना है, BTC प्राइस एक्शन को फॉलो कर लेना। फिलहाल अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का जोन आपके साथ शेयर कर दिया, ये वाले रेजिस्टेंस एरिया शेयर कर दिए, सपोर्ट एरिया शेयर कर दिए। आप मेरे TA चार्ट को एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। नो डाउट मेरे TA चार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कआउट करते हैं और करना भी चाहिए इनको। ठीक है, क्योंकि महीनों पुरानी मार्किंग्स है तो यार अच्छा लगता है कि ये जब ये वर्कआउट करते हैं, पर आप जो है मेरे TA चार्ट को एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कीजिए, ना कि एक फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर। मेरे TA चार्ट को अपने TA के साथ मैच आउट करके देखो। ठीक है, फिलहाल जो क्रूशियल चीज़ है वो आपके साथ शेयर कर दिया प्राइस एक्शन। यहाँ पे अब कई लोग पूछेंगे भाई डोजकॉइन क्या एक्सपेक्टेशन है, जो डोजकॉइन अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने में कब देखने को मिल सकता है। तो यार इसका ऑल टाइम हाई जो है ना, एक तो मैं पहले बता रहा हूँ डोजकॉइन एक हाइप टोकन था। ठीक है, उस टाइम उसकी हाइप बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें उसके फेवर्स में जा रही थी, जिसके कारण डोजकॉइन 76 सेंट्स के अराउंड, जो कि एक बार इंडियन रुपीज़ में भी दिखाएंगे हम, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो भी शेयर किया जाएगा मेरे दोस्तों, तो वो हमें देखने को मिला इसको ऑल टाइम है 54.94 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे उस टाइम इसकी हाइप बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें सिनेरियोज़ बन रहे थे। अब ये नेक्स्ट हाइप सिनेरियोज़ कब बन सकता है, वो बन सकता है Q1 2022 में, जब इसके जो Doge 1 सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होने वाला है SpaceX, एंड यहाँ पे जो Doge फाउंडेशन का यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है, उसके बाद किसी कंपनी के साथ की पार्टनरशिप हुई है, जिसके बाद Doge 1 एक नाम का सैटेलाइट जो है स्पेस में लॉन्च होगा,
उस टाइम के अराउंड कहीं ना कहीं आपको जो है हाइप देखने को डोज से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो सिमिलर हाइप हमें SNL लाइफ के अराउंड देखने को मिली थी, जिसके कारण डोजकॉइन आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन आप जो है 30-35 रुपीज़ से रख सकते हैं आने वाले टाइम में, मिड ऑफ डिसम्बर, एंडिंग ऑफ डिसम्बर एंड यहाँ पे जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में आप एक्सपेक्टेशन जो है डोजकॉइन से रख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन BTC मार्केट कैसा परफॉर्म करता है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। एक चीज़ हमेशा से हमें देखने को मिली है, जब जहाँ पे ऑल्टकॉइन सीजन आता है तो जो पॉपुलर कॉइन्स होते हैं उस पर वॉल्यूम शिफ्ट होता है, और डोजकॉइन एक पॉपुलर कॉइन है वर्ल्ड वाइड, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल्टकॉइन सीजन में आपको डोजकॉइन में एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिले, और एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन आप 30-35 रुपीज़ की डोजकॉइन से रख सकते हैं। तो ये भी आपका क्लियर कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ क्रूशल, बिटकॉइन करंटली 49 लाख से ऊपर, US डॉलर्स में हमें देखने को मिला 65,800 के राउंड। इसका THR 4 आवर्ली टेलीग्राम ग्रुप में है, जो लोग नहीं जुड़े लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लो। मेजर रेजिस्टेंस हमें 65,599 पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे अगर हमें डेली कन्फर्मेशन मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होगी। आपको फिर ऊपर के रेजिस्टेंस एरिया 66 से लेके 68 के राउंड के एरियाज टेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। फिलहाल ये वाला रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, यहाँ पे क्रूशल सपोर्ट जोन जो है 63844 से लेके 64280 पे बना हुआ है, और उसके बाद 62933 पे एक और बहुत ज़रूरी और कंपल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो वाला एरिया बना हुआ है। रेफरेंस की तौर पे इस्तेमाल करो हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट है, ठीक है। मैंने आपका सुबह की वीडियो में शेयर किया था कि आपको जो 65 के एरियाज यहाँ पे सपोर्ट कंफर्मेशन हो रही है, आपको ये वाले रेजिस्टेंस एरियाज टेस्ट होते हुए नज़र आ सकते हैं। जिन्होंने मेरी सुबह के ICP की वीडियो नहीं देखी है आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आपके साथ मैंने क्रूशल चीज़ शेयर कर दी है BTC की एंड डोज की, और ये ICP की वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपके साथ ये डिटेल शेयर करी थी, तो आप इस वीडियो को जाके एंजॉय कर सकते हैं। ये सब हमें पता लगता है हमारे TA चार्ट्स की मदद से, ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इन चार्ट्स प्रिपेयर करने में और काफ़ी टाइम लगा इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से सीखने में, तो इन चार्ट्स को वर्कआउट करना चाहिए। आप मेरे चार्ट को एक रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल जो मेरी डोज अपडेट वीडियो थी यहीं तक थी, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स आते रहें। फिलहाल मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।